हेलो बच्चों, बेटा आज अपन है ना, ये एन आर नारायण मूर्ति साहब की जो बुक है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड है ना, इसका अपन फोर्थ एपिसोड जो है ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है, यहाँ से शुरू करते हैं अपन। आई हैव सेलेक्टेड 38 स्पीचेस फ्रॉम द 150 है ना, मैंने सेलेक्ट किए हैं, और 30 जो मेरे स्पीच हैं उनको मैंने सेलेक्ट किया है, किसमें से 150 जो मैंने लगभग भाषण दिए हैं उनमें से आई हैव गिवन जो मैंने दिए हैं ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स है ना, पिछले कुछ वर्षों के दौरान फॉर दिस बुक, इस बुक के लिए। ठीक है ना, तो इस बुक के लिए मैंने 38 स्पीचेस को चुना है, और वो स्पीचेस कौन से हैं जो मैंने पिछले वर्षों में लगभग 150 स्पीच दिए हैं उनमें से 38 को मैंने इस पुस्तक के लिए चुना है। एलिमिनेटिंग डुप्लीकेशन एज फार एज पॉसिबल है ना, और मैंने कोशिश की है कि इसमें डुप्लीकेसी नहीं हो है ना, यानी दो बार किसी चीज़ का रिपीटिशन नहीं हो, यथासंभव मैंने ऐसा करने की कोशिश की है। आई हैव कवर्ड इश्यूज़, मैंने इसमें उन मुद्दों को कवर किया है, उन मुद्दों को इसमें शामिल किया है। सेमिनल, देखो दोबारा आया ये सेमिनल, सेमिनल मतलब जिसका प्रभाव आगे जाके पढ़ने वाला हो, तो मैंने उन मुद्दों को इसमें शामिल किया है जिनका प्रभाव आगे जाके पढ़ने वाला है। टू द फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत के भविष्य के ऊपर, एंड द वर्ल्ड, और इस संसार के भविष्य के ऊपर। सम क्रिटिकल टर्म्स है ना, कुछ विशेष जो पद हैं है ना, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, लीडरशिप, इनइक्वलिटी, असमानता, कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है बेटा, देखो ये भी कई बार आएगा ये शब्द, तो कोई भी जो बिजनेस होता है, जो व्यापार होता है ना, तो उसके नियम का नियंत्रण के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, तो उन नियमों को क्या बोलते हैं हम, कॉरपोरेट गवर्नेंस बोलते हैं, उसकी कंट्रोल के लिए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है ना, तो सम क्रिटिकल टर्म्स, कुछ विशेष पद जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, लीडरशिप, इनइक्वलिटी, असमानता, कॉरपोरेट गवर्नेंस है ना, कॉरपोरेट गवर्नेंस को मैं कॉरपोरेट गवर्नेंस ही बोलूँगा है ना। क्या मतलब है इसका, कॉरपोरेट गवर्नेंस का, कि जो बिजनेस होते हैं, बड़े बड़े जो व्यापार होते हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो कुछ नियम बनाए जाते हैं है ना, उनको क्या बोलते हैं हम, कॉरपोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। ठीक है ना, एंड वैल्यूज़, और जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, एंड वैल्यूज़, और हैव बीन डिफाइंड अगेन एंड अगेन है ना, और जो गुण हैं है ना, जो हमारी मान्यताएं हैं है ना, उनको बार बार, ठीक है ना, गवर्नेंस वैल्यूज़ हैव बीन डिफाइंड अगेन एंड अगेन है ना, जो कि बार बार आई हैं उनको डिफाइन इसमें किया गया है। इन सेवरल स्पीचेस, विभिन्न मेरे भाषणों में, फॉर द सेक ऑफ कम्प्लीटनेस ऑफ द प्रेजेंटेशन है ना, तो ये शब्द बार बार आएंगे, तो जिससे कि इस प्रेजेंटेशन की क्या हो सके, संपूर्ण हो सके ये अपने आप में, फॉर द सेक ऑफ कम्प्लीटनेस ऑफ द प्रेजेंटेशन है ना, तो इस प्रेजेंटेशन के लिए, इस बुक के प्रेजेंटेशन क्या हो सके, संपूर्ण हो सके, इसलिए ये शब्द बार बार इसमें आएंगे है ना, उनको बार बार डिफाइन किया गया है। आई एम ए बिलीवर इन द रोल ऑफ यूथ है ना, मैं जो नवयुवक होते हैं उनका जो रोल है ना, उनकी जो भूमिका है इन बिल्डिंग ए ग्रेट फ्यूचर फॉर इंडिया है ना, भारत के है ना उज्जवल भविष्य को बनाने में, बिल्डिंग यानी बनाने में, ए ग्रेट फ्यूचर फॉर इंडिया, भारत के उज्जवल भविष्य को बनाने में जो नवयुवक हैं उनकी भूमिका का मैं एक बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, उस पर मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ, अर्थात कि मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि जो हमारे नवयुवक हैं भारतीय है ना, वो हमारे देश का ग्रेट फ्यूचर निर्माण कर सकते हैं। एट इन्फोसिस, जो नारायण मूर्ति साहब की जो कंपनी है इसका क्या नाम है, इन्फोसिस, तो वो बताते हैं कि एट इन्फोसिस में हम लोग, आई सराउंड माई सेल्फ है ना, मैं अपने चारों ओर रखता हूँ विद स्मार्ट एंड ट्रस्टेड यंगस्टर्स है ना, यानी मेरे हमेशा मेरे चारों ओर है ना स्मार्ट और जो भरोसेमंद नवयुवक हैं वो मेरे
इर्द गिर्द रहते हैं, यानी हमेशा मैं उनका साथ, अपने साथ उनको रखता हूँ। इन मोस्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, है ना, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है बेटा कि किसी चीज़ की कोई अपन रूपरेखा बनाते हैं, है ना, उसके भविष्य के को तय करने वाले जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, है ना, कि किस तरह की उस पर अपन को किन रास्तों से हमें जाना है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बोलते हैं। तो इन मोस्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, है ना, अधिकांश जो विशेष निर्णय होते हैं, आई इंसिस्ट, मैं बल देता हूँ ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिटिकल मास ऑफ माई यंग कलीग्स, है ना, मैं इस बात पर बल देता हूँ कि उसमें जो मेरे नवयुवक साथी हैं उनकी भी बहुत अच्छी हिस्सेदारी उसमें रहे, है ना, वो एक तरह से क्रिटिकल मास का कार्य करें। क्रिटिकल मास का मतलब क्या होता है, एक बहुत कम होता है लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, है ना, है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा जो बहुत बहुत ही विद्वान प्रकृति के होते हैं, है ना, तो वो एक तरह से क्रिटिकल मास का कार्य कर रहे हैं, है ना, वो तो वो अकेले ही, है ना, बहुत कई सारे लोगों के बराबर वो होते हैं। तो आई इंसिस्ट ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ ए क्रिटिकल मास ऑफ माई यंग कलीग्स, तो है ना, लेखक कह रहे हैं कि जो हमारी कंपनी के, इन्फोसिस कंपनी के जो नीति निर्धारण से संबंधित जो डिसीजंस होते हैं, निर्णय होते हैं, उनमें मैं, है ना, मेरे यंग कलीग्स की भागीदारी को मैं बहुत उस पर जोर देता हूँ। आई एम ए प्रोपोनेंट ऑफ ब्रिंगिंग यंगर पीपल इन टू लीडरशिप पोजिशंस, मैं इसका बहुत बड़ा समर्थक हूँ। प्रोपोनेंट का मतलब क्या होता है, समर्थक, मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, ऑफ ब्रिंगिंग, लाने का यंगर पीपल, ना, नव युवकों को इन टू लीडरशिप पोजिशंस, है ना, लीडरशिप की जो पोजिशंस हैं, नेतृत्व की जो स्थितियाँ हैं, यानी बड़े पदों पर, उच्च पदों पर, है ना, जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उन पर मैं नव युवकों को लाने का पक्षधर हूँ। मैनी पीपल लेमेंट, कई लोग रोना रोते हैं, लेमेंट का मतलब क्या होता है, रोना लेके बैठ जाते हैं, है ना, मैनी पीपल लेमेंट, बहुत सारे लोग रोना लेके बैठ जाते हैं, दैट टूडेज यूथ, कि आज का जो नवयुवक है, हैव नो वैल्यूज, उसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं है, उसके अंदर कोई संस्कार नहीं है, आर अनडिसिप्लिनड, ये, है ना, अनुशासित नहीं है, आज का जो युवा है वो अनुशासित नहीं है, है ना, उसमें कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो इन चीज़ों का रोना रोते रहते हैं। एंड डू नॉट बिलीव इन हार्ड वर्क, और वो कठिन परिश्रम में विश्वास नहीं करते हैं। तो कुछ लेखक कह रहे हैं कि कुछ लोग इन बातों को लेकर रोना रोते रहते हैं कि भाई आज का जो नवयुवक है वो, उसके अंदर कोई वैल्यूज़ नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है, और उसमें हार्ड वर्क करने की प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। आई डिसएग्री विद देम, मैं उनके साथ सहमत नहीं हूँ। मोस्ट यंग पीपल आई सी और बेटर आर बेटर देन वॉट आई वॉज वेन आई वॉज देयर एज। मोस्ट यंग पीपल आई सी, अधिकांश जिन नवयुवकों को मैं देखता हूँ वो मेरे से श्रेष्ठ हैं, आर बेटर देन, मेरे से श्रेष्ठ हैं, वॉट आई वॉज वेन आई वॉज एट देयर एज, है ना, उससे श्रेष्ठ हैं जिस समय मैं उनकी उम्र का था। तो लेखक तुलना करने के, मैं उनकी उम्र पर जब, जिस समय मैं था उस चीज से मैं आज उनकी तुलना करता हूँ तो मैं उनको मेरे से ज़्यादा श्रेष्ठ पाता हूँ। देयरफोर, अतः इट इज़ अप्रोप्रिएट, यह कहना उचित है, दैट आई स्टार्ट ऑफ दिस बुक, है ना, देयरफोर इट इज़ अप्रोप्रिएट दैट आई स्टार्ट ऑफ, अतः यह उचित है कि मैं इस पुस्तक को शुरू करूं विद ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स, है ना, एक जो मेरे व्याख्यान हैं उनकी सीरीज से, डिलीवर्ड टू स्टूडेंट्स, जो कि विद्यार्थियों के लिए दिए गए हैं, है ना, विद्यार्थियों की ऑडियंस के लिए, विद्यार्थी श्रोताओं के लिए दिए गए हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हों, है ना, एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हों, किसमें, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, ठीक है ना, या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, बिजनेस, डिज़ाइन, लॉ, फॉरेन ट्रेड, है ना, विदेश व्यापार, एंड लिबरल आर्ट्स। लिबरल आर्ट्स का मतलब जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, तो चाहे कोई मैनेजमेंट के विद्यार्थी हों, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, डिज़ाइन, लॉ, फॉरेन ट्रेड, लिबरल आर्ट्स, तो इन सब विद्यार्थियों के लिए, इन तरह तरह के विद्यार्थियों के लिए जो जो मैंने भाषण दिए हैं, है ना, उनसे मैं इस पुस्तक की शुरुआत करना चाहता हूँ। माई स्पीचेस टू स्टूडेंट्स इन इंडिया, है ना, मेरे जो स्पीच हैं भारत के विद्यार्थियों के लिए,
फोकस ऑन द स्टेट ऑफ द कंट्री, उसमें किस चीज़ पर फोकस किया हुआ है कि हमारे देश की हालत कैसी है, द प्रोग्रेस वी हैव मेड, हमने कितनी प्रोग्रेस कर ली है, द चैलेंजेस वी हैव, हमारे सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, द न्यू माइंड सेट रिक्वायर्ड, क्या नई माइंड सेट हमको ज़रूरत है ना, किस नई हमारे दृष्टिकोण की है ना हमको आवश्यकता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन नेशन बिल्डिंग, है ना, कि इस राष्ट्र निर्माण में, नेशन बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, राष्ट्र निर्माण में है ना वैल्यूज की, ठीक है ना वैल्यूज की कितनी इम्पोर्टेंस है ना, नीति है ना, नैतिक जो नैतिकता है ना उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, इस पर मैं चर्चा करता हूँ उनके साथ, एंड द नीड और टू लीवरेज, है ना, तो लीवरेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अधिकतम उपयोग करना, है ना, एंड द नीड टू लीवरेज एक्सेलेंस इन आइडियाज एंड इन एग्जीक्यूशन, है ना, और मैं इस चीज़ पर बल देता हूँ कि कितनी ज़्यादा आवश्यकता है टू लीवरेज, है ना, उपयोग में लें, हम अधिकतम उपयोग में लें एक्सेलेंस को, एक्सेलेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका, है ना, चाहे वो आइडियाज़ में हो या एग्जीक्यूशन, या किसी काम को जब हम करते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं किसी काम को, है ना, किसी काम को करने में, टू क्रिएट एन इंक्लूसिव इंडिया, है ना, जिससे कि हमारा समग्र भारत का निर्माण हो सके, है ना, इंक्लूसिव इंडिया का मतलब क्या है, जिसमें हर व्यक्ति को उन्नति करने के अवसर मिलें, उसको बोलते हैं हम इंक्लूसिव इंडिया एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड, और जब इंडिया इंक्लूसिव बनेगा, है ना, तो क्या बनेगा, इंक्लूसिव वर्ल्ड बनेगा, क्योंकि बेटा आज भारत की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है, ठीक है, वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ भी आवश्यक हुआ, आई हैव एम्फेसाइज्ड, वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ आवश्यकता थी, आई हैव एम्फेसाइज्ड, मैंने जोर दिया है, आई हैव एम्फेसाइज्ड, मैंने जोर दिया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग आइडियाज रादर देन जस्ट आर्टिकुलेटिंग, है ना, तो आर्टिकुलेटिंग का मतलब होता है सिर्फ बहाने भाषणबाजी, है ना, और एग्जीक्यूटिंग का मतलब होता है उसको असल में करके दिखाना, तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने भाषणबाजी की अपेक्षा, रादर देन जस्ट आर्टिकुलेटिंग, है ना, कि सिर्फ भाषणबाजी, है ना, किसी चीज़ को कहना अच्छे शब्दों में बस कह देना, तो उसकी अपेक्षा मैंने किस पर एम्फेसाइज दिया है, किस पर जोर दिया है, एम्फेसाइज यानी जोर देकर कहना, है ना, कि उन आइडियाज़ को हम क्या करें, एग्जीक्यूट भी करें, उन आइडियाज़ को हम मूर्त रूप भी दें, उनके ऊपर काम भी करें, उनको एक्शन के रूप में कन्वर्ट भी करें, बट समहाउ, लेकिन कैसे भी, इन दिस कंट्री, लेकिन इस देश में, हमारे देश में, इट इज़ फैशनेबल, ये एक तरह से फैशन बन गया है, टू सी आइडियाज़ एज एन एंड, कि हम बस आइडियाज़ को ही अंतिम लक्ष्य के रूप में देखते हैं, है ना, इन themselves विदाउट एनी फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन, बिना किसके ऊपर, कि उनकी कार्यान्विति कैसे कर रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब कार्यान्विति, कि उनको, यानी सिर्फ हम आइडियाज़ के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उनको कार्यान्वित कैसे किया जाए, इस पर हमारा ध्यान कम रहता है, ठीक है ना, इनफैक्ट वास्तव में आर्टिकुलेशन इज अकॉम्प्लिशमेंट इनफ फॉर मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, है ना, तो लेखक कह रहे हैं कि अधिकांश जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, मोस्ट ऑफ अवर इंटेलेक्चुअल्स का मतलब अधिकांश जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, उनके लिए तो ये जो आर्टिकुलेशन है ना, आइडियाज को बस कह देना, आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है, किस चीज़ को एक्सप्रेस कर देना, है ना, बोल देना बस, है ना, यही उनके लिए पर्याप्त अकॉम्प्लिशमेंट है, बस कि हमारा काम हो गया, यही उनके लिए संतोष देने वाली चीज है, दिस टेंडेंसी, ये जो आदत है ना, ये जो टेंडेंसी है, टू कीप डिस्कसिंग एन आइडिया विदाउट मेकिंग एनी प्रोग्रेस टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन इज समटाइम्स टेकन टू रिडिकुलस लेवल्स, है ना, कई बार तो ऐसा लगता है कि हम किसी चीज़ को बस इतना डिस्कस करते रहते हैं, इतना डिस्कस करते रहते हैं उसके ऊपर, है ना, कि वो एक तरह से मूर्खतापूर्ण हद तक वो चीज़ पहुंच जाती है, क्योंकि हम बस डिस्कस करते रहते हैं और उसको कार्यान्विति उसकी नहीं करते, उसको असल रूप में हम उसको
एक्शन में उसको नहीं लेते हैं. दिस टेंडेंसी टू कीप डिस्कसिंग एन आइडिया, ये जो आइडियाज़ को डिस्कस करने की जो आदत है, विदाउट मेकिंग एनी प्रोग्रेस, बिना उस दिशा में बढ़े, टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन, उसकी कार्यान्विति की तरफ बिना बढ़े, ये कभी कभी तो बड़े हास्यास्पद स्तरों तक पहुंच जाती है. लेखक एक घटना का उद्धरण देते हुए कह रहे हैं कि उनका जो शहर है बेंगलोर, है ना, तो बेटा उनकी जो कंपनी है वो कहाँ पे है, बेंगलोर में है, ठीक है ना, तो कर्नाटका, ठीक है ना, अपने भारत में जो कर्नाटक राज्य है उसमें बेंगलोर शहर जो है, ठीक है ना, उसके अंदर, ठीक है ना. अब उसको बेंगलोर, और अब उसका नाम क्या हो गया, बेंगलुरु, बेंगलुरु, ठीक है ना. हाँ, तो दिस टेंडेंसी टू कीप डिस्कसिंग एन आइडिया विदाउट मेकिंग एनी प्रोग्रेस, हाँ ये तो मैंने पढ़ी दिया. इफ माई काउंट इज़ करेक्ट, अगर लेखक कह रहे हैं कि अगर मुझे मेरी सही सही गिनती, तो वो एक घटना का दे रहे हैं कि भाई उनके यहाँ है ना पावर प्लांट लगाने की, पावर प्लांट का मतलब होता है बिजली बनाने का कारखाना, बिजली बनाने का कारखाना लगाने की बहुत समय से चर्चा चल रही है सरकार की, है ना, कोई काफ़ी समय से, लंबे समय से, है ना, पता नहीं कितनी सारी उस पर मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन आज तक वो नहीं लगा, ठीक है ना. तो लेखक ये कह रहे हैं कि बस हम खाली आइडियाज़ को डिस्कस करते रहते हैं, उनको क्रियान्विति उनकी जो होती है, उनको इम्प्लीमेंट करना, है ना, उस पर हमारा इतना ध्यान नहीं रहता है. तो लेखक कह रहे हैं इफ माई काउंट इज़ करेक्ट, अगर वो कह रहे हैं कि मेरी अगर गिनती सही है, अगर मुझे सही सही याद है, वी हैव हैड 33 सेमिनार्स, है ना, हमने 23 सेमिनार कर ली हैं, है ना, 23 हमने सेमिनार का मतलब मीटिंग्स, है ना, कर ली हैं ऑन बिल्डिंग ए पावर स्टेशन फॉर बेंगलोर सिटी, बेंगलोर शहर के लिए एक विद्युत गृह है ना बनाने के लिए हमने कितनी सेमिनार कर ली हैं, 33 सेमिनार्स उसमें हमने कर ली हैं, लगभग 33 सेमिनार कर ली हैं ओवर द लास्ट 25 ईयर्स, पिछले 25 वर्षों में 33 बार मीटिंग इस पर हो चुकी हैं सरकार की, यट फिर भी देयर इज स्टिल नो पावर प्लांट इन बेंगलोर, फिर भी अभी तक बेंगलोर में पावर प्लांट नहीं लगा है, एंड वी कंटिन्यू टू सफ़र फ्रॉम ब्लैकआउट्स, ब्लैकआउट्स का मतलब होता है बार बार बिजली चल जाना, गुल हो जाना बिजली, और हम बिजली गुल होने की परेशानी से लगातार सफ़र करते रहते हैं, लगातार इससे हम जूझते रहते हैं. आई ऑल्सो बिलीव दैट, मैं यह भी विश्वास करता हूँ कि गुड लीडर्स, कि जो अच्छे लीडर्स होते हैं, अच्छे जो बेटा नेतृत्वकर्ता होते हैं, है ना, जो अच्छे नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, इंटीग्रेट द 50,000 फीट बर्ड्स आई व्यू ऑफ द वर्ल्ड, है ना, तो संसार के दृष्टिकोण को किससे लेखक ने तुलना की है, 50,000 फीट ऊँचे एक पक्षी की आँख से, है ना, और विद द ग्राउंड लेवल वर्म्स आई व्यू, है ना, और एक कैसे एक छोटा सा कीड़ा है ना, जो कि ज़मीन पर है ना, उसकी आँखों के व्यू से, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, समग्र दृष्टिकोण हो, है ना, हम बड़ी से बड़ी चीज़ को देख सकें और छोटी से छोटी चीज़ को भी हम देख सकें, ठीक है ना. तो लेखक कह रहे हैं कि जो गुड लीडर्स होते हैं, है ना, जो सफल नेतृत्वकर्ता होते हैं, उनके अंदर ये एक खासियत होती है, उनके अंदर एक विशेषता होती है कि वो इंटीग्रेट कर सकते हैं. इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, समाहित कर सकते हैं, है ना, दोनों चीज़ों को, बड़ी से बड़ी चीज़ों को और छोटी से छोटी चीज़ों को. 50,000 फीट बर्ड्स आई व्यू, है ना, एक 50,000 फीट ऊपर जो पक्षी का जो दृष्टिकोण है उससे, और एक ग्राउंड लेवल ज़मीन पर एक जो कीड़ा है उसकी दृष्टि से, है ना, उसको क्या कर सकते हैं, यानी दोनों दृष्टियों को वो समाहित कर सकते हैं. दे कैन आर्टिकुलेट ए ग्रेट विज़न, वो एक बहुत बड़े, है ना, बड़े दृष्टिकोण को हमारे सामने रख सकते हैं, जनता के सामने वो रख सकते हैं. गेट इन टू द मोस्ट इंटीग्रेट डिटेल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द विज़न, है ना. अब देखो बेटा, सबसे बड़ी पहली बात तो क्या होती है कि किसी विज़न का निर्माण करना, किसी एक दृष्टिकोण, किसी एक लक्ष्य का निर्माण करना, और फिर जब हमने लक्ष्य को तय कर लिया, तो फिर उस लक्ष्य की बारीकियों को, है ना, क्या क्या उसमें छोटी छोटी चीज़ें होंगी, उसकी जो सारी बारीकियां हैं, है ना, उनको क्या करना, डिटेल करना, उनको लिस्ट करना, उनकी लिस्टिंग करना, उनको क्या है, एक लिस्ट बनाना उनकी, क्या क्या उसमें परेशानियां आने वाली हैं, क्या क्या उसमें डिटेल्स होंगी.
तो जो विजनरी लीडर्स होते हैं, गुड लीडर्स होते हैं, वो आर्टिकुलेट ए ग्रेट विज़न, एक बड़े बड़े दृष्टिकोण को, है ना, बड़े बड़े लक्ष्यों को वो जनता के सामने प्रेषित कर सकते हैं, देश के सामने रख सकते हैं, देश को बता सकते हैं. गेट इन टू द मोस्ट इंटीग्रेट डिटेल्स, इंट्रीकेट डिटेल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द विज़न, और उस विज़न को इम्प्लीमेंट करने में, उसको कार्यान्वित करने में जो भी चीज़ें लगने वाली हैं, उनकी जो डिटेल्स हैं, बारीक, इंट्रीकेट मतलब बहुत जो बारीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़, यानी सारी चीज़ें उसमें कंसिडर कर लेते हैं वो, कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है ना. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द विज़न एंड इम्प्लीमेंट द विज़न ऑन टाइम, है ना, और उस विज़न को समय पे इम्प्लीमेंट करना, ठीक है ना. तो एक विज़न देना, विज़न को पूरा करने में आने वाली छोटी छोटी चीज़ों का वर्णन करना, ठीक है ना, और उसको सही समय पे इम्प्लीमेंट करना, है ना, उसको सही समय पे, है ना, कार्यान्वित करना. सही समय क्यों है बेटा, कि माना ज़रूरत तो हमें अभी है, ठीक है ना, और हम 50 हमने 20 साल लगा दिए उस काम को करने में, तो फिर इतना कोई उसका महत्व नहीं रहा. तो इम्प्लीमेंट द विज़न ऑन टाइम विद इन बजट, है ना, स्वीकृत बजट के अंदर, स्वीकृत जो उसको पैसा है ना. नहीं तो क्या होता बेटा, कई बार प्रोजेक्ट जो होते हैं, सरकार के प्रोजेक्ट इतने लंबे चलते हैं, पहले पता चला कि साहब उसकी कीमत 100 करोड़ थी, और वो उसमें लग गए उसको करने में, देखा ना पुल जो बनते हैं कितना लंबा समय लग जाता है, 8-8 साल 10-10 साल लग जाते हैं. शुरू में उनकी कीमत 100 करोड़ होती है, बाद में पता चला उनकी कीमत बढ़ के 150 करोड़ हो गई, ठीक है ना. तो उसको सही समय पे पूरा करना और विद इन बजट पूरा करना, जो उसके लिए निर्धारित पैसा है उसी के अंदर उसको पूरा करना, एंड विद रिक्विजाइट क्वालिटी, और जितनी उच्च गुणवत्ता की उसमें आवश्यकता थी, उस उच्च गुणवत्ता के लिए, है ना, रिक्विजाइट क्वालिटी, है ना, गुणवत्ता के साथ हमें कोई समझौता नहीं करना है, है ना. तो ये सारी चीज़ें किसका काम है, एक गुड लीडर का काम है. आई एम कन्विंस्ड, मुझे पूरा विश्वास है ना, मुझे भरोसा है, दैट ए लेज़र फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन, जैसे लेज़र बीम होती है ना, बिल्कुल कितनी वो होती है, कंसंट्रेटेड होती है वो लेज़र बीम, है ना, लेज़र फोकस, वो एक ही चीज़ पे, है ना, टिश्यूज़ तक को गला देती है बेटा. प्रकाश ही तो होता है वो, लेकिन इतना गहन प्रकाश होता है वो, कि हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उन तक को क्या कर सकता है, वो गला सकता है. तो आई एम कन्विंस्ड, मैं मुझे विश्वास है, दैट ए लेज़र फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन, कि चीज़ों को की क्रियान्विति करने के ऊपर हमारा फोकस कैसा होना चाहिए, लेज़र की तरह कंसंट्रेटेड होना चाहिए. एंड द एबिलिटी टू गेट इनटू डिटेल्स, और हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए कि उसके अंदर जो भी बारीकियां हैं उन सबको हम अच्छी तरह से देख सकें. आर द मोस्ट अर्जेंट नीड्स, ये बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, अति आवश्यक आवश्यकताएं हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, हमारे देश के विकास के लिए. माई स्पीचेस टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फोकस ऑन लेसन्स, है ना. तो अब ये जो चीज़ बताई थी वो तो कहाँ के लिए बताई उन्होंने, बेटा जब वो हमारे देश में, है ना, देश के स्टूडेंट्स के लिए जब वो लेक्चर देते हैं ना, उसमें इन चीज़ों के ऊपर उनका फोकस रहता है ना. और जब वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को संबोधित करते हैं, तो जब मेरे माई स्पीचेस टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो मेरे भाषण होते हैं अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए, उनमें किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, फोकस ऑन लेसन्स आई हैव लर्न्ड फ्रॉम माई एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी एंड इन माई लाइफ, है ना. उसमें किन चीज़ों के ऊपर केंद्रीकरण होता है, कि मैंने अपनी इस जो उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, इसके अंदर मैंने क्या क्या इस यात्रा में, जो मेरी उद्यम की जो यात्रा है ना, मेरे जीवन की, इसमें मैंने क्या क्या सबक सीखे हैं, ठीक है ना, ये मेरा उसके ऊपर फोकस रहता है. और द इम्पोर्टेंस ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स, है ना, कि अब और कौन कौन से बाजार में संभावनाएं हैं, इमर्जिंग मार्केट्स, कौन कौन से मार्केट्स अब आने वाले हैं. जैसे देखो बेटा, मैं बताता हूँ आपको, जैसे सोलर एनर्जी का है, तो आप देखना बेटा आने वाले टाइम में ये सोलर एनर्जी का मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है ना, क्योंकि ये बताते हैं बेटा कि 2050 तक, है ना, ये जो फॉसिल फ्यूल हैं, जीवाश्म ईंधन है, क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना. तो जब जीवाश्म ईंधन ख़त्म हो जाएगा, तो यानी कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब ख़त्म, तो फिर जो इतने भी व्हीकल्स हैं, है ना,
वाहन हैं ना, बड़े बड़े जो पावर प्लांट हैं, ये सब किससे चलेंगे बताओ? सोलर एनर्जी से, है ना। तो सोलर एनर्जी से चलने वाली सूर्य की धूप से बिजली बनेगी, उससे फिर जो है ना कार और ये सब व्हीकल्स उससे चलने लग जाएंगे। तो ये एक तरह से क्या है, इमर्जिंग मार्केट है आने वाले टाइम का, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स, कॉरपोरेट गवर्नेंस, देखो बेटा फिर आ गया ना, कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है, व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियमावली होती है ना, ठीक है ना, उसमें इथिक्स भी शामिल होती है ना, कि ऐसे नहीं बस लाभ ही लाभ कमाना हमारा उद्देश्य हो, ठीक है ना। तो जब मेरे जो लेक्चर्स विदेश के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए, तो उनमें किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं लेखक, वो कह रहे हैं कि मेरे जो जीवन में है ना, मेरी जो ये उद्यमता की जो यात्रा है उसमें मैंने क्या क्या सबक सीखे, और जो अब कौन कौन से मार्केट है ना, कौन कौन सा जो बाज़ार है वो आने वाले समय में क्या होगा, बहुत फलेगा फूलेगा। कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में मैं उन्हें बताता हूँ, एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज, और समकालीन इस समय के जो मुद्दे हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज का मतलब इस समय के जो मुद्दे हैं, वर्तमान समय के जो मुद्दे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है ना, वैश्विक उष्णता है ना, क्योंकि हमारी पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, किसकी वजह से, जंगलों की अंधाधुंध कटाई की वजह से, और कार्बन उत्सर्जन के कारण, ठीक है ना, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं है ना, जीवाश्म ईंधन है, जब इनको जलाते हैं हम तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसें निकलती हैं, तो इनसे क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। एंड रिजोनेट एंड रेस्टोरिंग फेथ इन कैपिटलिज्म, और मेरा फोकस किसके ऊपर रहता है कि उनमें मैं पूंजीवाद के प्रति विश्वास पैदा कर सकूं, रेस्टोरिंग फेथ इन कैपिटलिज्म, है ना, क्योंकि बेटा देखो संसार में तुम्हें पता है कि समाजवाद भी है ना, कई जैसे चाइना है, चाइना के अंदर क्या है, समाजवाद है, वहाँ पूंजीवाद नहीं है, कैपिटलिज्म वहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही रसिया है, रूस है ना, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे क्या है, साम्यवाद है, है ना कम्युनिस्ट जो है ना, कम्युनिज्म वो है उनके अंदर। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं कोशिश करता हूँ, एक शब्द आया था ना पहले आपने पढ़ा होगा, कंपैशनेट कैपिटलिज्म, है ना, एक ऐसा पूंजीवाद जिसमें दूसरों के प्रति क्या हो, सहृदयता भी हो, करुणा की भावना भी हो, दया की भावना भी हो। तो इन चीज़ों के मेरे ऊपर, मेरा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनके, मैं जब उनको भाषण देता हूँ तो इन चीज़ों का मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ। माई वेवरियन ओरिएंटेशन, है ना, तो देखो वेवर की, मैक्स वेवर की बुक पढ़ी थी ना, तीन बुक्स में मैक्स, सबसे पहले मैक्स वेवर वाली बुक का वर्णन है। तो माई वेवरियन ओरिएंटेशन लीड्स मी टू बिलीव दैट इंडिविजुअली वी आर वॉट आवर कल्चर इज एंड वॉट आर वैल्यूज, वाट आवर वैल्यूज आर, है ना, कि मेरा जो वेवरियन ओरिएंटेशन है ना, जो मैक्स वेवर की जो बुक पढ़ी, तो उससे जो मुझे दृष्टिकोण मिला है, उसकी तरफ जो मेरा झुकाव गया है, ओरिएंटेशन यानी झुकाव जो हुआ है, वो मुझे ले जाता है कि मैं विश्वास करता हूँ, किसमें बिलीव, विश्वास करता हूँ दैट इंडिविजुअली, कि व्यक्ति रूप में वी आर वॉट, हम वो होते हैं जो कि हमारी कल्चर होती है, जो कि हमारी संस्कृति होती है, एंड वॉट आर आवर वैल्यूज़, है ना, और जो हमारे संस्कार होते हैं, जो हमारी संस्कृति है ना, और जो हमारे संस्कार होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, वही हम होते हैं। क्योंकि जैसे जिस तरह की हमारी संस्कृति है, जिस तरह के हमने नैतिक मूल्य हमारे माता पिता से देखे हैं, हमारे समाज से देखे हैं, उसी रास्ते पर हम आगे बढ़ते हैं। कल्चर इज अबाउट अवर बिलीव्स, है ना, जो संस्कृति है वो उसमें क्या होती है, हमारी मान्यताएं होती हैं। अवर प्रायोरिटीज़ इन लाइफ, हमारे जीवन में हमारी क्या वरीयताएं हैं, किस चीज़ को हम प्राथमिकताएं दे रहे हैं, वो होता है उसके अंदर। थिंग्स दैट ब्रिंग अस जॉय एंड सोरो, वो चीज़ें होती हैं संस्कृति के अंदर जो कि हमें खुशी देती हैं और दुख उत्पन्न करती हैं। हाउ वी स्पेंड अपर टाइम, हम किस तरह से हमारा समय व्यतीत करते हैं, एंड मनी, और हमारा धन खर्च करते हैं हम। अवर कंसर्न फॉर द लेस फॉर्चुनेट, है ना, और जो हमसे कम भाग्यवान हैं, लेस फॉर्चुनेट हैं, जो बेटा कम, हमसे कम भाग्यशाली हैं, उनके प्रति हमारी कंसर्न, हम उनके प्रति क्या रखते हैं, सद्भावना रखते हैं। एंड हाउ वी इंटरेक्ट विद ईच अदर, और हम किस तरह से एक दूसरे के प्रति व्यवहार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे डिसाइड होती हैं, हमारी कल्चर से डिसाइड होती हैं और हमारी वैल्यूज से डिसाइड होती हैं।
वैल्यूज़ फॉर्म द प्रोटोकॉल, है ना। और जो हमारे वैल्यूज़ होती हैं, है ना, जो नैतिक हमारे कर्तव्य होते हैं, वैल्यूज़ जो होती हैं, फॉर्म द प्रोटोकॉल, वो एक नियमावली बनाते हैं फॉर बिहेवियर फॉलोड बाई ईच मेम्बर ऑफ ए कम्युनिटी टू एनहांस होप कॉन्फिडेंस एंथुजियाज्म एंड जॉय फॉर एवरी अदर मेम्बर ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है ना। और जो वैल्यूज होती हैं, है ना, संस्कृति, है ना, कल्चर संस्कृति हो गया, और वैल्यूज जो हमारे मूल्य होते हैं, जीवन मूल्य जो होते हैं, जो कि हमें परिवार से और हमारे समाज से मिलते हैं, तो वैल्यूज फॉर्म द प्रोटोकॉल। तो ये जो हमारे वैल्यूज होते हैं, मूल्य जो होते हैं, नैतिक मूल्य, यही एक प्रोटोकॉल बनाते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है बेटा, एक तरह से एक नियमावली होती है, जिन वो दिखती नहीं हमको, लेकिन उसके उनके आधार पर हम चलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारे मूल्य होते हैं, वही एक प्रोटोकॉल का निर्माण करते हैं, एक नियमावली का निर्माण करते हैं फॉर बिहेवियर, जो कि हमारा व्यवहार होता है, फॉलोड बाय ईच मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी, हमारे इस समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जो व्यवहार किया जाता है उसको, किसके लिए, टू एनहांस होप, जिससे कि होप में वृद्धि हो, आशा में वृद्धि हो, एनहांस का मतलब वृद्धि होना, आशा में वृद्धि हो, कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो, एंथुजियाज्म, है ना, उत्साह में वृद्धि हो, एंड जॉय, और आनंद मिल सके फॉर एवरी अदर मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, इस हमारे समुदाय के प्रत्येक अन्य व्यक्ति को भी। वैल्यूज बिकम एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, जो ये वैल्यूज हैं, ठीक है ना, जो नैतिक मूल्य हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं इन आवर क्वेस्ट फॉर एग्रेसिव डेवलपमेंट, है ना। कि एक तरह से एग्रेसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है बेटा, कि ये इनके इन प्रकार बस हमको तो विकास करना है, है ना। देखा ना बेटा, अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है ना, तो ये क्यों, ये विपदा क्यों आई, ये वैश्विक विपदा क्यों आई, क्योंकि हमने विकास किया, और वो विकास कैसा, आँख मूंद कर विकास किया हमने, है ना। प्रकृति का हमने कितना दोहन कर दिया, एक तरह से उसको हम नष्ट होने के कगार पर ले आए, है ना। कितना जल प्रदूषण, सारी नदियाँ गंदी हो गई, ठीक है ना, जंगल हम लोगों ने काट डाले, ठीक है ना, कितना प्रदूषण हो गया, ठीक है ना, एयर पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें, है ना, चारित्रिक पतन हो गया। तो लेखक कह रहे हैं कि इसको कैसे डेवलपमेंट की संज्ञा दी है लेखक ने, एग्रेसिव डेवलपमेंट की दी है, ऐसा विकास जो कैसा है, एग्रेसिव है, बस विकास करना है, ये इनके इन प्रकार बस अंधी दौड़ करनी है। तो ये लेखक यही कह रहे हैं कि ये जो हमारे मूल्य हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारी क्वेस्ट फॉर एग्रेसिव डेवलपमेंट, है ना, जो हमारी इस बिना सोचे समझे जो विकास की ओर हमारी जो दौड़ है उसके लिए, इन आवर डिटर्मिनेशन टू रिडीम द प्लेज ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स, है ना, कि जो हमारे पूर्वज हैं, फाउंडिंग फादर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने जो, उनके प्रति जो हमने प्लेज ली है, है ना, उन्होंने जो बलिदान दिए, उनके प्रति हमने क्या ली है, प्लेज ली है, जो शपथ ली है, है ना, उस दृढ़ विश्वास को हम क्या कर सकें, पुनर्जीवित कर सकें, उन्हें उसको पुनः प्राप्त कर सकें। रिडीम का मतलब क्या हो गया, पुनः प्राप्त कर सकें। एंड इन आवर डिज़ायर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए ट्रस्टवर्दी एंड प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी, है ना। तो ये वैल्यूज से आता है सारा, मूल्यों से, नैतिक मूल्यों से आता है। एंड इन द डिज़ायर, और हमारी उस इच्छा में, टू बी रिकॉग्नाइज्ड, कि हमें माना जाए, जाना जाए, एज ए ट्रस्टवर्दी, पहचाना जाए हमें एक भरोसेमंद, एंड प्रोडक्टिव मेंबर, और उपयोगी सदस्य के रूप में ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी, है ना, इस वैश्विक जो हमारा समुदाय है, विश्व समुदाय है, उसमें हमको एक ट्रस्टवर्दी और प्रोडक्टिव मेंबर के रूप में जाना जाए। देयरफोर, अतः, इन माई लेक्चर्स ऑन वैल्यूज, है ना, जो मैं व्याख्यान देता हूँ नैतिक मूल्यों के ऊपर, आई हैव स्पोकन अबाउट हार्ड वर्क, तो मैं उनमें मैंने किस पे, किसके बारे में बताया है, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के बारे में, डिसिप्लिन, है ना, अनुशासन के बारे में, टीम वर्क, सबको साथ लेके काम करने के बारे में, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के बारे में, ऑनेस्टी, ईमानदारी के बारे में, रेस्पेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, जिस किसी के साथ हमने कोई समझौता किया है ना, तो उसको तोड़ना नहीं है, उसकी क्या करनी है, हमको रेस्पेक्ट करनी है, ठीक है ना। पुटिंग द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, है ना, हम समाज के इंटरेस्ट को अहेड, आगे रखें, ऑफ वंस पर्सनल इंटरेस्ट, एक व्यक्ति के खुद के इंटरेस्ट से, है ना, यानी मैं अपने निजी जो मेरा स्वार्थ है ना, उससे
ऊपर मैं किसको रखूं, समाज के स्वार्थ को रखूं, है ना, यानी मेरा निज का भला और समाज का भला। तो मुझे ये देखना है कि उसमें अगर समाज के भले के लिए मुझे मेरा खुद का भला भी कुर्बान करना पड़े तो मैं उसको क्या कर सकूं, कुर्बान कर सकूं। ओपननेस टू लर्न फ्रॉम अदर्स, और मेरे अंदर एक खुलापन हो जिससे कि मैं दूसरों से क्या कर सकूं, सीख सकूं, है ना। द चक द इंडिया स्पिरिट, है ना, और कैसी भावना, चक द इंडिया, चक द इंडिया मतलब हम मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, है ना, ये भावना हमारे अंदर। तो इन सब चीज़ों के बारे में लेखक कह रहे हैं कि मैं बताता हूँ। एम्पावरमेंट, है ना, किस तरह से समृद्धि आएगी। एंड फाइनली और अंत में, ऑन बिल्डिंग ऑन गुड एस्पेक्ट्स ऑफ अवर कल्चर, है ना, कि हमारी जो संस्कृति के जो अच्छे एस्पेक्ट्स हैं, है ना, अच्छी जो उसकी अवधारणाएँ हैं, है ना, अच्छे जो उसके एस्पेक्ट्स हैं, उनको हम बिल्ड करें, उनको समृद्ध करें। एंड लर्निंग, और साथ के साथ सीखें फ्रॉम व्हाट इज़ गुड इन वेस्टर्न कल्चर, कि विदेशी संस्कृति में, पश्चिमी जो संस्कृति है उसमें भी क्या अच्छी चीज़ें हैं, है ना। तो इसका मतलब ये बेटा कि हमारी संस्कृति की जो अच्छाइयाँ हैं उनको हमें संजो के रखना है, साथ ही जो विदेशी संस्कृति के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी हमें साथ लेके चलना है। हमें हमारे अंदर दृष्टिकोण में ओपननेस होनी चाहिए, है ना, खुलापन होना चाहिए कि वेस्टर्न कल्चर के अंदर भी जो अच्छाइयाँ हैं उनको हम खुले दिल से स्वीकार कर सकें, ठीक है ना। तो ये बेटा फोर्थ एपिसोड इसका हो गया, है ना, बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत पावरफुल बुक है। तो एक एक एपिसोड करके हम इसको पढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।